शुक्ला जी, ये तो अमेरिका अमेरिका में कर रहा है। वो जो एआई होता है, आप सोशल मीडिया देखिए ना, इलॉन मस्क ओपनली ट्रंप के साथ है, लेकिन इलॉन कह रहे हैं कि भैया फेसबुक इज डेलिबरेटली डूइंग इट। इलॉन तो कह रहा है भैया, और खुल के क्या हो रहा है वहां, वो जो एक वो होता है ना प्रेम शुक्ला जी, वो जो फोन के साथ आता है, वो क्या, मैं उसका नाम बोल रहा हूं, आप उससे पूछिए, आप ट्रंप के बारे में पूछिए तो वो बोलता है आई केयर नॉट से पॉलिटिकल अबाउट एनी पॉलिटिकल प्लेयर, और आप उससे कमाला हैरिस के बारे में पूछिए तो वो एक मिनट में सब बता देता है पूरे। आप बात समझिए, इट्स ए वेरी सोचा समझा प्लान कि किस तरीके से करना है, लेकिन भारत में भारत की जनता इज टू स्मार्ट टू अंडरस्टैंड। भारत की जनता देख रही है बांग्लादेश में प्रेम शुक्ला जी डेमोक्रेसी के नाम से क्या तबाही मचा दी है। प्रेम शुक्ला, संजय जी आ रहा हूं, टाइम है, प्लीज रिलैक्स, कम इनटू यू। हाँ, प्रेम शुक्ला, अनुराग जी कमिंग। जी देखिए, जैसे जैसे भाई अनंत विजय जी ने बताया कि लंबे समय से अमेरिका जो है विविध लोकतांत्रिक देशों में हस्तक्षेप करता है लोकतांत्रिक आंदोलनों के नाम पे। इजिप्ट में आपने तहरीर स्क्वायर पे क्रांति देखी, सबने कहा बड़ी क्रांति हो गई, क्रांति होगी, वहां आकर बैठा कौन, वहां पर आकर बैठा तानाशाह। अरब स्प्रिंग के नाम पर क्या हुआ पूरी दुनिया जानती, ईरान क्रांति के नाम पर क्या हुआ, किस तरह से खमैनी को लाके बैठा दिया गया था 70s में। तो अमेरिका ये काम करता है और भारत में भी ये काम करने का प्रयास बारंबार हुआ है। श्रीमान राहुल गांधी जब अमेरिका की धरती पर जाते हैं और कहते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक शक्तियों को का समाप्त हो रही है और इसमें अमेरिका और ब्रिटेन हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे, तो क्या संदेश होता है? यहाँ तक ही नहीं, पाकिस्तान जाकर मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जब मदद मांगते हैं तो क्या संकेत है? देखिए, अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को सबसे बड़ा जो डोनेशंस है वो चाइनीज कंपनी का। ये बातें खुलकर सामने आई हैं कि चाइना की एक बड़ी लॉबी अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी को कंट्रोल करती है और डेमोक्रेटिक पार्टी भारत के आसपास के देशों में लगातार जो है वो भारत विरोधी शक्तियों का समर्थन करती है। बांग्लादेश में किसका समर्थन हुआ ये आपने सामने देखा। तो बांग्लादेश में भारत विरोधी शक्तियों को अगर प्रश्रय दिया जा रहा है और दे कोर्रा डेमोक्रेटिक पार्टी दे रही है, किसके चंदे पर पलती है? चीन के चंदे पर पलती है। चीन की रुचि क्या आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। तो भारत की घेराबंदी और भारत में, अब भाई चीन से चंदा लेकर भारत में कौन सी पार्टी चलती है? उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। आज तक चीन के साथ उसका जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, चीन की जो वहां की रूलिंग पार्टी है उसके साथ जो उसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो सार्वजनिक क्यों नहीं करते हो लोग? क्यों मांग नहीं उठती? क्यों नहीं, आप जानते सारी नहीं, वो आपको गलत ठहरा रहे हैं। कांग्रेस कहती है ही नहीं। सक्रिय है ये इस्लामी शक्तियां जो है, कहीं कुछ हो जाए दुनिया में तत्काल मुखर हो जाती है। चीन में मस्जिदों की मस्जिदें गिरा दी जाती है। एक आपने मौलाना का एक स्टेटमेंट देखा है, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए तमाम मौलाना जो हैं, आपने कभी आजम खान को चीन के खिलाफ बात करते हुए सुना है? आपने कभी जो है संजय जी, आपने चिट्ठी लिखी थी, संभल के सांसद हुआ करते थे, हर 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 विषय पर बात करते थे, आपने कभी चीन के विरोध में उनकी आवाज सुनी है आपने? अरे बांग्लादेश में रजा को इतने हिंदुओं को टारगेट किया गया, एक ने बोला क्या हिंदुस्तान में? एक ने बोला क्या अनुराग भदौरिया? एक ने बोला क्या नहीं? संजय जी एंड देन आई एम कमिंग टू यू एंड रत्नाकर त्रिपाठी बोथ। अनुराग जी आराम से, बराबर का टाइम, प्रॉमिस। संजय जी एंड देन आई एम कमिंग टू यू बोथ। भी नहीं और टोकना भी नहीं भाई। अरे बिल्कुल नहीं रोकूंगा संजय जी। हां नहीं नहीं, टोकना आपकी मजबूरी हो जाती है, समझ सकता हूं। देखिए ऐसा है, मैं आपको क्लिंटन साहब का पूरा समझा देता हूं। क्लिंटन साहब क्या चीज है यहाँ पे किसी को नहीं पता होगा, कोई एक पर्सनल एनेक्डोट बताइएगा सर। क्लिंटन साहब का एक टेस्ट था, उसमें उन्होंने मेरे को इनवाइट किया और कहा कि आप इस ट्रस्ट के मेंबर बन जाइए। मैंने कहा मैं बनने को तैयार हूँ, पर इस ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने बोला क्या होना चाहिए? मैंने कहा ये होना चाहिए कि आप पैसा जो भी इकट्ठा करें डेवलपिंग कंट्री से इकट्ठा करें और मैंने डेवलप कंट्री से इकट्ठा करें और डेवलपिंग कंट्रीज में खर्च करें, नंबर वन। दूसरा मैंने कहा जो दुनिया भर में कॉलोनिज्म हुआ है, मैंने स्लेव ट्रेड का जान के नाम नहीं लिया। मैंने कहा जितना कॉलोनिज्म जैसे अंग्रेज और वगैरह वगैरह उसकी भर्त्सना करिए, क्लिंटन साहब भर्त्सना करिए। तो वो उसके बाद मेरे को उन्होंने दरकिनार कर दिया। सवाल ये है, अमेरिका का एक ही मकसद है कि दुनिया में जितनी ताकतें हों वो अमेरिका की चमचागिरी करें, और अमेरिका को सबक सिखाने का एक ही तरीका है, जो
नॉर्थ कोरिया का है, आप लोग उसको अच्छा मानते हैं कि नहीं? मैं तो उसको बहुत अच्छा मानता हूँ। That's your personal view, मेरा नहीं है साहब। अमेरिका को नाक को चने चबा चला दिए। अगर हम 15, 20, 25 नॉर्थ कोरिया खड़ा कर दें चारों तरफ अमेरिका के, तो भाई साहब अमेरिका सुधर जाएगा। वो आज मेरे यहाँ बांग्लादेश में उसने करके मेरे यहाँ घुसने की कोशिश कर रहा है या किसी और मुल्क में करने की कोशिश कर रहा है, वो सब बंद कर देगा। क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया उसको सबक सिखा देगा। एक नॉर्थ कोरिया ने सबक सिखा दिया, 10-15 नॉर्थ कोरिया हो गया, कुछ साउथ अमेरिका में, कुछ अफ्रीका में, कुछ एशिया में और जगह भी हो गए, भाई साहब वो खेल बन जाएगा। इसको अमेरिका जैसे को समझाने के लिए टैक्टिक तो अलग है, लेकिन जो ओके संजय जी, लेकिन जो अभी आनंद जी भी हंस रहे हैं, नहीं पॉइंट टेकन, लेकिन अनुराग बदोरी आप मुझे बताइए, क्या भारत में एक व्यक्ति ने आपकी पार्टी के एक व्यक्ति ने, क्या अखिलेश यादव जी ने भत्सना की कि बांग्लादेश में क्या हो रहा? नहीं, मैं बात सिर्फ उसकी नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अब क्लिंटन मान रहा है, अमेरिकन फॉर्मर प्रेसिडेंट मान रहे हैं कि हमने किया बांग्लादेश। अब तो समझिए कि राहुल गांधी की उस चीज का आप समर्थन नहीं कर सकते, गोरों से जाके विदेशियों से जाके भारत में डेमोक्रेसी नहीं बचा सकती, आप बचाइए अनुराग जी। राहुल जी लड़े, जनता का समर्थन ले, नरेंद्र मोदी को अगर हरा सकते हैं आप, अगर बाबा को यूपी में हरा सकते हैं आप, हराइए, विदेशियों से थोड़ी मदद लेंगे हम। अब बोल रहे हम, प्लीज बोलिए, कमाल की बात है, आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया भाई। चाइना संजय जी अभी दूसरों को बोलने देते हैं। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, इसके पहले याद होगा किस नेता जी ने बोला, मैं अपनी बात कह लूं। देखिए चाइना नंबर वन दुश्मन है, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले के हमारे रहे नेताजी ने, आदरणीय नेताजी ने बोला था, पार्लियामेंट में खड़े होके बोला था। लेकिन हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री जी तो गए, और आज की डेट में चाइना का नाम तो लेते हैं लेकिन सबसे ज्यादा बिजनेस चाइना से आज की डेट में चल रहा है, बंद कर दीजिए, किसने रोका? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, वहां भी देश के प्रधानमंत्री जी गए। अमेरिका को आज दुश्मन बता रहे हैं, वहां भी अभी हाल भी होके आए हैं और लगातार जाते हैं। तो कमाल की बात यह है, जिसको जिसकी हम यहाँ डिबेट करने बैठे जिस कंट्री की, उस कंट्री को तो हम तो दुश्मन मानते हैं, क्या सरकार दुश्मन मानती है? ये तो सरकार की रणनीति होगी ना, सरकार की क्या विदेश नीति बताइए। दुश्मन क्यों मानना है? इंडिया गठबंधन की चर्चा कर रहे हैं, अनुराग बदोरिया दुश्मन क्यों मानना है? कीजिए ना कि सरकार की दुश्मन क्यों मानना है, बैलेंस करना है। भैया बात सुनो, बात हो जाए, राजनीति में एक कहावत है जो आपके फेवरेट नेता राजनाथ सिंह के लिए कही जाती है, नहीं सुनी, मैं आपको रोकूंगा नहीं, सुनी नहीं सुनी, अरे भैया आप ही बोलिएगा कि जस्ट हैज लेस एनिमीज इन पॉलिटिक्स। देखिए राजनीति में कोई दोस्ती नहीं होता है, कोई दोस्त नहीं होता है, जस्ट हैज लेस एनिमीज। सुनिए राजनीति में, और ये तो आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात कर रहे हैं, बैलेंस करना है। अगर हम पहले रूस जाते हैं तो अमेरिका को मैसेज मिल जाता है, आप समझिए मेरी बात। क्या मैसेज? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ बोलिए, तो जाने दीजिए, अमेरिका को तो बाद में मिलेगा, पहले अपने देश को तो मैसेज दे दें, उसको दीजिए, रोक रहे हो। देखिए सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में 10 साल से, लेकिन पता कैसे, वो देखो अमेरिका चलेगा, इंडिया घटा हो रहा है, वो देखो चाइना, मेरे को हटाओ, कैसे रोने वाली सरकार है भाई, ये रोती वाली सरकार है। अरे भाई सरकार जिम्मेदारी होती है अपनी नीतियों से, हमारे जो पड़ोसी मुल्क उसपे अपना प्रहार करना बजाय रोना यहाँ बैठ के। अरे यार देखो इंडिया गठबंधन के नेता, एक बार रोके दिखाओ, अरे चाइना, बाकी सब बात, अभी आपको मैं अपने एक मित्र को कॉल करने वाला हूँ। आप श्रीराम सेंटर में अपना ड्रामा शुरू करो, मैं आऊंगा देखने, मैं आपको सीरियस, पहले एक बार रोक के देखा, मुझे तो पहले एक बार रोक के देखा, आप अभी कैसे रो, जिम्मेदारी से इंडिया गठबंधन का नेता अनुराग बदोरे, नो नो नाउ यू कम डाउन अनुराग, इससे नहीं होता है, इससे नहीं होता है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट प्लीज अंडरस्टैंड दिस। प्रेम शुक्ला जी सुनिए मेरी बात, मैं रत्नाने नहीं, मैंने सुनी आपकी बात, कहां सुन लिया आपने, मैं बोला ही नहीं, सुन कहां से लिया, यही तो इतना बोलिएगा गुरु, नहीं सुन रही है
विपक्ष अब एक आध घंटा और रुला दीजिए इनको, भांत भांत के विलाप कराइए इनसे। नहीं नहीं बांध बांध के नहीं, भारतीय जनता पार्टी भांत की जिम्मेदारी बनती है। आज बांग्लादेश में आप बार बार चिल्लाते बांग्लादेश में क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बांग्लादेश में सबने कहा जो होंगे वहाँ पे अत्याचार होना चाहिए, बांग्लादेश में जो लोकतंत्र की जिस तरह नहीं होनी चाहिए पूरा देश कह रहा है, पूरा विपक्ष सबने कहा, लेकिन सरकार को नहीं समझ में आया। सरकार को कहां से समझ में आएगा कि सरकार तो वही काम करती है ना, एक तो कहते हैं बांग्लादेशी 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 करके सुबह से लेकर शाम तक राजनीति करती है। अनुराग भदौरिया काम सिस्टम होता है, अनुराग भदौरिया काम था, प्रेम शुक्ला जी, रत्नाकर त्रिपाठी, अनंत विजय जी, प्लीज संजय जी रिलैक्स, थैंक यू अनुराग भदौरिया जी, प्रेम शुक्ला जी।